हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की एसजीपी की क्लास में मैं रोहित आरब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों, हमारी एसजीपी की 10 क्लासेस हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे 3 चैप्टर्स भी खत्म हो गए। तो हमारी एसजीपी की 10 क्लासेस होने के बाद हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए। उसी क्रम में आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। तो अभी तक हम लोगों ने एसजीपी में क्या पढ़ लिया, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम अपना आगे का पढ़ सकें। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एसजीपी में पढ़ा है, सबसे पहले हमने जाना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर्स। उसमें हमने केवल ये जाना कि हम जो स्विच गियर्स हैं हमारे, वो होते किस किस प्रकार के हैं, उनको मतलब हम लोग कितने कितने टाइप से यूज करते हैं, किस किस वर्किंग के आधार पर अलग अलग क्लासिफाइड किया, और थोड़ा थोड़ा हर एक स्विच गियर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने वहाँ पर जाना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि हम लोग बेसिकली स्विच गियर्स को ही सीख रहे थे, लेकिन स्विच गियर्स के अंदर होने वाले फॉल्ट को सीख रहे थे। तो उसका नाम था इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। तो उसमें हम लोगों ने फॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया, जाना कि फॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, फिर उनकी कैलकुलेशन करना सीखा, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना सीखा, शॉर्ट सर्किट केवीए निकालना सीखा, ओवरऑल फॉल्ट की कैलकुलेशन करना सीखा हमने वहाँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हमारा टॉपिक था फ्यूज, और चैप्टर नंबर 3 में हमने कंप्लीट फ्यूज के बारे में जाना। क्या जाना? कंप्लीट फ्यूज के बारे में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेकर के आए हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। और मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्किट ब्रेकर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। तो बच्चों, जल्दी से आ जाइए आप लोग, और जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू। जल्दी से देख लेता हूँ आप लोग कितने लोग आ गए हैं। और बच्चा, लाइव क्लास ही होकर करेगी अब, तो आप लोग भी लाइव ही आया करिए, ठीक है? नहीं इतना हो सके आप लोग भी लाइव आने की कोशिश किया करिए, ताकि हम लोग लाइव क्लास को सफल बना सकें। तो लाइव आया करिए आप लोग की। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट। आ जाए तो बच्चों, टाइम से आया तो टाइम से नहीं आओगे फिर कैसे क्लास स्टार्ट होगा? तो आप लोग टाइम से आ जाए करो यार, आप लोग टाइम से आते नहीं हो फिर क्लास स्टार्ट नहीं। चलिए, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो कि हमारा 3 मेन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, जो कि तीन मेन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से, वहां पर हमको हर जगह जहां पर कभी ना कभी, या फिर बोले तो कभी भी किसी भी समय पर अबनॉर्मल कंडीशंस का सामना करना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है? असामान्य स्थिति। अबनॉर्मल कंडीशन मतलब असामान्य स्थिति। तो होता क्या है कि हमको किसी भी समय पर कभी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अबनॉर्मल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। अबनॉर्मल कंडीशन से तात्पर्य यह है कि सर्किट में जो सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपरली वर्क ना करके उनमें से किसी एक कंपोनेंट का गलत तरीके से वर्क करना, या फिर कहें तो प्रॉपरली वर्क ना करना, इसको हम कहते हैं असामान्य स्थिति। तो ये जो असामान्य स्थिति है, इसमें बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ता है। मतलब ये असामान्य स्थिति हमेशा हाई करंट के रूप में ही मिलती है हमको। मतलब किसी भी प्रकार का 90% अगर फॉल्ट होता है, तो उस कंडीशन में करंट हमेशा बढ़ता ही है। मैंने ये देखा है, करंट को हमेशा हाई दिखाया जाता है, हाई होता है करंट, ताकि
उस कंडीशन से निपटने में हमको आसानी हो सके। उसके बाद की कहानी यह है भाई कि जब ये अबनॉर्मल कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में हमारा सर्किट किस प्रकार से वर्क करे या फिर किस अबनॉर्मल कंडीशन से किस प्रकार से निपटे, उसके लिए हम कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है फ्यूज, फ्यूज भी फिर आता है सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्योंकि फ्यूज प्राइमरी डिवाइस है, इसीलिए हमने फ्यूज को इससे पहले डिस्कस किया है और अब हम लोग सर्किट ब्रेकर को डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूज, अब देखो फ्यूज भी वही काम करता है, सर्किट ब्रेकर भी वही काम करता है, लेकिन फ्यूज के कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हैं और सर्किट ब्रेकर के कई सारे फायदे और एडवांटेजेस हैं। देखिए कैसे, देखिए फ्यूज जो होता है वो हमारा एक तो एक बार अगर खराब हुए तो उसको मैनुअली जाकर के रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें कि हमारे समय की खपत हो जाती है, समय लग जाता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर अगर खराब भी हो गया है, पहले तो वो खराब ही नहीं होता है, सर्किट ब्रेकर तो वो केवल अपने कॉन्टैक्ट ओपन करता है फॉल्ट के समय पर, और जब फॉल्ट खत्म हो जाता है तो कॉन्टैक्ट को वापस से क्लोज कर देता है। दूसरी चीज कि जो फ्यूज है हमारा वो एज कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर उतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं देता है जितनी कि सर्किट ब्रेकर देता है। तो सर्किट ब्रेकर किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लगने वाला वह कंपोनेंट है जो सर्किट में आने वाली फॉल्टी कंडीशन में अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देता है जब तक कि फॉल्ट ठीक ना हो जाए, और जब फॉल्ट ठीक हो जाता है तो ये अपने कॉन्टैक्ट को वापस से ओपन कर लेता है। और फ्यूज को हम मैनुअली ऑपरेट नहीं करा सकते, फ्यूज तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट ही होगा, और ये सर्किट ब्रेकर अगर हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ऑपरेट करा सकते हैं, मतलब सर्किट ब्रेकर को हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं और अभी ऑटोमेटिक तो ऑपरेट हो ही जाएगा। मैनुअली मतलब कभी भी कहीं से भी इसको जब चाहे तब ऑपरेट करा दें। दूसरा, अगर ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करना है तो रिले लगा दीजिए, और रिले के साथ जैसे ही आपकी अबनॉर्मल कंडीशन आएगी, जब आप इसमें रिले लगा दोगे, जब रिले में इसमें अबनॉर्मल कंडीशन आएगी तब क्या होगा कि ये रिले उस अबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करेगी और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी, और सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट्स ओपन कर लेगा और हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर को मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक दोनों ही प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। और अगर सबसे पहली सबसे जरूरी बात यह जानने के लिए कि मैनुअली का मतलब, तो आप लोग ये समझते हो कि हाथ से ऑपरेट करेंगे, ना 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 ना, मैनुअली का मतलब है कि हम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब उसको ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको मैनुअली ऑपरेट करा रहे हैं तो हमको सर्किट ब्रेकर के पास होना चाहिए। हम सर्किट ब्रेकर को कहीं दूर से रिमोटली भी एक्सेस करते हुए मैनुअली ऑपरेट करा सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि सर्किट ब्रेकर को अगर हमको बच्चे वो करना है, क्या बोलते हैं कि ऑपरेट कराना है, तो वो कंपलसरी नहीं है कि हमको सर्किट ब्रेकर के पास ही होना चाहिए, हम कहीं दूर से भी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं सोचिएगा कि अभी हम वहां पर हैं तभी इसको ऑपरेट कराएंगे, नहीं नहीं नहीं, मतलब रिमोटली ही इसको ऑपरेट कराते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप कभी बिजली घर कभी किसी सब स्टेशन गए हो तो वहां पर आपने देखा भी होगा कि कहीं दूर ऑफिस में बैठ करके स्विच यार्ड में लगे हुए सर्किट ब्रेकर्स को ऑपरेट करा दिया जाता है। मतलब ये जान लिया जाता है कि सर्किट ब्रेकर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक कि मुझको अगर आगे के सर्किट में किसी प्रकार की कोई असुविधा लग रही है और मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा क्या कि मैं जो है उसको अगर आगे के सर्किट में मुझे कोई असुविधा लगेगी तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है उसको मैनुअली ऑपरेट करा दूंगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं अपने इन मेन कंपोनेंट्स को, मेन टर्म्स को, नीड ऑफ सीवी यानी कि सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता, सीवी की आवश्यकता,
सीबी के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सीबी से संबंधित। महत्वपूर्ण तथ्य सीबी से संबंधित, तो चलिए जान लेते हैं भैया। आप लोग देखो आए नहीं हो बच्चों, ये गलत बात है, आपको क्लास देखने नहीं आते हो यार। फिर आप कहोगे कि सर क्लास, अब मैं इसी वक्त तो गुस्सा आता है मुझे बस, कि मैं क्लास प्रॉपर ले रहा हूँ तो आप लोग भी क्लास प्रॉपर क्यों नहीं देखने आते हो? फिर बताओ जरा मुझे, है क्लास देखना आए करो प्रॉपर यार। तो देखो नीड ऑफ सीबी क्या है, कि नीड ऑफ सर्किट ब्रेकर इसलिए है क्योंकि किसी भी ओवरहेड लाइन में, किसी भी पावर सिस्टम में फॉल्ट आना एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि अबनॉर्मल कंडीशन आना, असामान्य स्थिति आना, कोई इस पर किसी का वश नहीं है, ये कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। लेकिन बात यह है कि जब ये असामान्य स्थिति आएगी तो उससे निपटने के हमारे पास कितने सारे साधन हैं, यही बात निर्भर करती है। तो उससे निपटने का हमारे पास एक साधन तो फ्यूज़ है, फ्यूज से हम लोग ऑटोमेटिकली उस फॉल्टी करंट को डिटेक्ट करके वो अपने आप मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन फ्यूज में कुछ कमियां होने के कारण हमको एक ऐसा प्रोटेक्टिंग डिवाइस चाहिए था जो कि उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल की प्रोटेक्शन दे और साथ ही साथ उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल की एक्यूरेसी भी रखे, जिसमें कम से कम एरर होने के चांसेस हों। तो वहाँ पर सीबी की यानी कि सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता हुई। उसके बाद की बात है कि सर्किट ब्रेकर किस कार्य सिद्धांत पर ऑपरेट करता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल फंडा बताऊं आपको कि सर्किट ब्रेकर जो होता है वो आपका नॉर्मल आर्क फिनोमिनन पर वर्क करता है। मतलब सारे के सारे सर्किट ब्रेकर जो हैं वो आपके आर्क फिनोमिनन पर ही वर्क करते हैं। मतलब कि होता क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे सर्किट ब्रेकर के टाइप्स की तरफ। देखिए देखिए जो कोई भी सर्किट ब्रेकर होता है उसके दो तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहले तो उसका प्रोसेस समझ लीजिए। उसका प्रोसेस ये है कि मान लीजिए कि ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ठीक, सर्किट ब्रेकर है, या फिर मान लीजिए कि ये कॉन्टैक्ट वन है, ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट वन है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो मूव हो सकता है। तो होता क्या है कि ये फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब फॉल्टी कंडीशन आती है तो फॉल्टी कंडीशन आने के बाद इनकी एक क्वाइल होती है लगी हुई, वो क्वाइल एनर्जाइज हो जाती है और उस क्वाइल के एनर्जाइज होने से ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो उस क्वाइल की तरफ को खींच जाता है। यानी कि इन फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में एक ब्रेक आ जाता है। ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है, इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक ब्रेक आ जाता है और उस सडन ब्रेक, यानी कि सप्लाई ठीक ठाक चल रही थी लेकिन उस सडन ब्रेक आने से होता क्या है कि यहां पर एक हाई इंटेंसिटी की आर्क यानी कि चिंगारी उत्पन्न होती है। फिर से सुन लीजिए, सर्किट ब्रेकर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट तो फिक्स रहता है लेकिन मूविंग कॉन्टैक्ट इधर या उधर मूव कर सकता है। उसके बाद एक क्वाइल लगी रहती है, जब फॉल्टी कंडीशन आती है यानी कि जब ओवर करंट आती है तब ये क्वाइल एनर्जाइज हो जाती है और ये क्वाइल एनर्जाइज उर्जित होने के बाद इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे कि इस फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जो संबंध होता है
उसमें दरार आ जाती है, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है और इस प्रकार से सप्लाई में एक सडन चेंज आता है काफ़ी ज़्यादा। और सप्लाई में इस सडन काफ़ी ज़्यादा चेंज आने से होता क्या है कि भैया यहाँ एक आर्क प्रोड्यूस होती है और ये आर्क इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है कि यदि इसको तुरंत दबाया ना जाए, अगर मतलब इस आर्क को तुरंत नहीं दबाया गया तो होता क्या है कि ये आर्क इस पूरे सर्किट ब्रेकर को ब्लास्ट कर देगी। साथ ही साथ जो उसके आगे मशीन लगी हुई है सर्किट ब्रेकर का, जो लोड लगा हुआ है उस लोड तक को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर से सुन लीजिए, इसीलिए इस आर्क को दबाना काफ़ी मतलब दबाने का मतलब इस आर्क जो भी प्रोड्यूस हुई है इसको ख़त्म करना, इसको एग्जिस्टिंगस करना, इसको आपका रिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आर्क एंचिंग बोलते हैं इसको, तो इसीलिए इस आर्क को दबाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर में इस आग को बुझाने के आधार पर ही उसके अलग अलग डिफरेंट किए गए हैं देखो। और ये आर्क प्रोड्यूस कैसे होती है, पहले ये वाली बात जान लीजिए कि ये जो आर्क है वो प्रोड्यूस कैसे हुई। वो प्रोड्यूस ऐसे होती है क्योंकि देखो अक्सर ये जो सर्किट ब्रेकर रहता है इसके फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो या तो एयर में रखे जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर ऑयल में रखे जाते हैं। मतलब या तो इनके बीच में नॉर्मली एयर रहती है या फिर इनके बीच में नॉर्मली ऑयल रहता है, दोनों ही कंडक्टिव होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये आर्क प्रोड्यूस होती है तो उस आर्क के प्रोड्यूस होने से ये जो एयर है, अगर सर्किट ब्रेकर एयर में रखा हुआ है तो उस आर्क के प्रोड्यूस होने से ये एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, आयनित हो जाती है और आयनित होकर के कंडक्टर का काम करने लगती है, जिससे कि आर्क हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। मतलब कि जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आयनीकरण बढ़ेगा गैस का, उतनी ही ज़्यादा आर्क की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यानी कि आयनीकरण और आर्क जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। आयोनाइजेशन और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, याद रखिएगा ये वाली बात। मतलब कि जितना ज़्यादा आपका आयनीकरण बढ़ेगा, जितना ज़्यादा गैसेस की जो आपकी गैसेस की मतलब जो आयनीकरण है, आयोनाइजेशन है गैसेस का, जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा तो समझ लो भैया कि उतनी ही ज़्यादा आपकी आर्क भी बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आर्क बढ़ती चली जाएगी। आए बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे की बात सुनिए, तो रही बात तेल में, तो जब तेल में रखी होती है तब ये आर्क प्रोड्यूस होती है, तो तेल हमारा हीट करने लगता है और हीट होकर के वो वेपर में कन्वर्ट होता है, जिससे कि उसका भी आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन होने लगता है और उसमें भी आर्क को बढ़ाने की क्षमता होती है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम आर्क को रिड्यूस करें, वरना हमारा सर्किट ब्रेकर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किसी सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के क्या क्या मेथड हैं, यानी कि हाउ टू रिड्यूस आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर। किसी सर्किट ब्रेकर में आर्क को कितने प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग जान लेते हैं। किसी सर्किट ब्रेकर में आर्क को कितने प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है, उस सर्किट ब्रेकर को हम लोग भैया आइए जान लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, 90% टाइम्स हम लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि लाइव तो आप लोग आते नहीं हो, फिर आप कहते हो लाइव क्लास लो, जो भी देख रहे हैं वो मुझे बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब हम लोग आर्क के बारे में जान लिया कि आर्क क्या होती है, अब हम जानते हैं आर्क को रिड्यूस करने के मेथड, यानी कि आर्क को बुझाने के मेथड। देखिए आर्क में और आग में थोड़ा सा फर्क होता है। आर्क मतलब सडन तेजी से उभरने वाला, यानी कि चिंगारी टाइप,
और आग जो होती है वो तो नॉर्मल आग होती है, सबको पता है आग बुझाने के तरीके। तो देखिए आग को जो रिड्यूस करना है, आग को जो अनचिंग करना होता है, जो एग्जिस्टिंगस करना होता है, उसको हम बेसिकली दो प्रकार से करते हैं। एक होता है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मेथड। क्या होता है? एक होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा होता है लो रेजिस्टेंस मेथड। उच्च प्रतिरोध विधि, निम्न प्रतिरोध विधि। तो जो हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड यानी कि उच्च प्रतिरोध विधि होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है भैया हमारा, हम लोग करते क्या है पूरा कि हाई, पहले तो याद रखिएगा कि हाई रेजिस्टेंस मेथड्स का यूज जो है वो मुख्य रूप से डीसी सर्किट्स के साथ होता है, और लो रेजिस्टेंस मेथड का यूज जो है वो मुख्य रूप से एसी सर्किट्स के साथ होता है। हाई रेजिस्टेंस मेथड में आर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उसकी लंबाई घट जाती है, यानी कि आर की जो लंबाई है और रेजिस्टेंस वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और लो रेजिस्टेंस इसका यूज केवल डीसी सर्किट्स के लिए किया जाता है, और आजकल एसी सर्किट्स के लिए लो रेजिस्टेंस मेथड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग एक लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे कि आर की लंबाई कम हो जाती है। और ओवरऑल कहा जाए तो आर को बुझाने के जो तरीके हैं वो वही है, जैसे कि आप उसको एयर डाल दीजिए, आप उसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए, ऑयल मतलब ट्रांसफॉर्मर ऑयल डाल दीजिए, आप उसके ऊपर कोई गैस डाल दीजिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 या फिर वैक्यूम। तो ओवरऑल जो हमारे सर्किट ब्रेकर के प्रकार हैं, जो कि हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, आज के में अब जो पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली इस आग को बुझाने के तरीकों के आधार पर ही बांटे गए हैं। मतलब कि यदि आपको बुझाया गया है एयर से तो कह दिया एयर सर्किट ब्रेकर, यदि आपको बुझाया गया है ऑयल से तो कह दिया ऑयल सर्किट ब्रेकर, यदि आपको बुझाया गया है एयर ब्लास्ट के थ्रू SF6 के थ्रू तो कह दिया SF6 सर्किट ब्रेकर। ओवरऑल जो सर्किट ब्रेकर के टाइप हैं वो बेसिकली जो बांटे गए हैं वो हमारे उसी आधार पर बांटे गए हैं, आर्क अनचिंग के आधार पर। किसके आधार पर? आर्क अनचिंग के आधार पर। सर्किट ब्रेकर के प्रकार, टाइप्स ऑफ CB की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ CB। तो टाइप्स ऑफ CB की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उनमें सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। सबसे पहला आता है कौन सा हमारे पास? सबसे पहला नाम आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा आप एयर सर्किट ब्रेकर कहें या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहें, एक ही बात है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तीसरा SF6 सर्किट ब्रेकर, चौथा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये मेन एयर वाला भी होता है, उसको हम नहीं लिख रहे फिलहाल। तो ये मेनली चार प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं जो कि हमारे किसी भी पावर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, और ऑयल सर्किट ब्रेकर तो द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल सर्किट ब्रेकर है। यानी कि अगर हम बात करेंगे किसी एक सर्किट ब्रेकर की जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता हो तो वो आपका है ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या है वो? है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्किट ब्रेकर है। होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, कि इस सारे के सारे सर्किट ब्रेकर के प्रकार सिर्फ और सिर्फ उनके आर को बुझाने के आधार पर क्लासिफाइड किए गए हैं, कि मतलब जिस प्रकार से हम उसमें आर को रिड्यूस करते हैं बस उसी को बेस मान करके इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये आपका ये सर्किट ब्रेकर है, ये आपका ये सर्किट ब्रेकर है, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। नहीं लाइक अगर हम बात करें आर्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं दोनों पे पूरा सर्किट ब्रेकर रहता है, वो एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल में डूबा रहता है। जब आर्क प्रोड्यूस होती है
तो ये हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले ऑयल को उस पर डाला जाता है जिससे कि उस आर्क की लंबाई घट जाती है, यानी कि आर्क जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बस खत्म कहानी, बाकी डायग्राम तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, उसको डायग्राम को याद कर लेना आप लोग, ठीक है, उसकी वर्किंग को समझना है ही नहीं। उसके बाद देखिए वर्किंग सबकी बेसिक है, वर्किंग सारे सर्किट ब्रेकर की बेसिक है कि सप्लाई जाएगी, फोल्टी करंट जाएगी, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होगा, कॉइल एनर्जाइज्ड होगी, जब वो कॉइल एनर्जाइज होगी तो मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देगी, उसके बाद उन दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगी, फिर उस आर्क को दबाया जाएगा, मूविंग कॉन्टैक्ट वापस से फिक्स कॉन्टैक्ट के पास आएगा, सप्लाई सुचारू रूप से चलने लगेगी। सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स की यही ऑपरेटिंग है, तो इसीलिए मैं उनको डिटेल में नहीं स्टडी करा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा मेरे पर्सनल नंबर पर, मैं आपको उन क्लासेस को भी लेके कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। तो और बैच डे को टेस्ट है, याद रखिएगा ये मत भूल जाना, बैच डे को टेस्ट है। उसके बाद है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्या है अब है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है इसमें क्या होता है कि जब इसमें देखिए आर्क तो सब में सेम तरीके से प्रोड्यूस होने वाली है कि सप्लाई आई आर्क बनी, अब बात आती है कि आर्क बुझेगी कैसे, तो इसमें आर्क को बुझाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर स्टोर्ड एयर को यूं छोड़ा जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर जो स्टोर्ड एयर होती है उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से लाइक अ ब्लास्ट, मतलब जैसे कोई ब्लास्ट होता धूम ऐसे करके, इसीलिए इसका नाम रखा गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें एयर को बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर स्टोर्ड एयर को छोड़ा जाता है जिससे कि उस आर्क की जो हमारी ऑलरेडी एयर होती है वहां पर सर्किट ब्रेकर में, उसका आयोनाइजेशन खत्म हो जाता है और उस आर्क की लंबाई खत्म हो जाती है, यानी कि आर्क जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और इस प्रकार से फिर सर्किट ब्रेकर हमारा सुचारू रूप से चलने लगता है और सर्किट में सप्लाई भी नॉर्मली जाने लगती है। उसके बाद होता है SF6 सर्किट ब्रेकर, क्या आता है SF6, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाई लेवल पर। SF6 का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एक गैस है, ये गैस जब सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस हो जाती है तो इस गैस को डाला जाता है, और इस गैस को डालने से होता क्या है कि इसमें जो गैस यूज की जाती है वो होती है फ्लोरीन, सल्फर के साथ फ्लोरीन इसमें यूज़ की जाती है, और जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मटेरियल है, मतलब उसकी ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी जो उसकी ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होती है पूरी आवर्त सारणी में, तो ये जो इसकी ऋणात्मकता है वो आर्क को रिड्यूस करने के काम आती है, और इस प्रकार इससे आर्क रिड्यूस हो जाती है। बाकी तो सेम प्रोसेस है कि आर्क बनी तभी सर्किट ब्रेकर सुचारू रूप से ऑपरेट हुआ। अगला आता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो भैया ये तो सबसे मज़ेदार कहानी है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में तो हमारा आर्क बनती ही नहीं, क्यों नहीं बनती, देखो आर्क बनने का प्रोसीजर क्या है, आर्क बनने का प्रोसीजर यह है कि जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होता है तो उनके बीच में थोड़ी सी नाम मात्र चिंगारी उत्पन्न होती है, नाम मात्र, लेकिन चूंकि वो किसी एक मीडियम में रखे होते हैं जैसे कि ऑयल या गैस, तो उनका आयोनाइजेशन होने के बाद आर्क प्रोड्यूस होती है। वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं वैक्यूम में, इसीलिए जब वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है तो आर्क कहाँ से बनेगी, और जब आर्क नहीं बनेगी, मतलब जब वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं और जब कोई मीडियम नहीं तो कोई आर्क नहीं, और जब कोई आर्क ही नहीं बनी तो उसको रिड्यूस क्यों कराया जाएगा, तो इसीलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अपने प्रकार का एक डिफरेंट टाइप का सर्किट ब्रेकर है जिसमें आर्क ही प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है,
क्योंकि इसमें कोई माध्यम ही नहीं होता, कोई एयर या फिर ऑयल, इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम के अंदर उस मूविंग कॉन्टैक्ट या फिर फिक्स कॉन्टैक्ट को रखा ही नहीं जाता, तो इसलिए इसमें कोई भी आर्क प्रोड्यूस ही नहीं होती है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को अपना कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा।